ध्यान भगती करता पे। अठ बज गए, साढ़े अठ बज गए, नौ बज गए, सारी संगत उड़ीके अज भाई कौन कथा नहीं करनी। दस बज गए, साढ़े दस बज गए, ग्यारह बज गए, उधर सिख आसन तो सिर नहीं चक रहा, इधर गुरु हर राय साहब चौंकड़ा ही नहीं खोल देते। दवान की समाप्ति हो गई, संगत सारे पहरेदार कहते महाराज बार कृपा, जो बहुत ज्यादा कहा भी गुरु हर राय साहब संगत व्याकल है आ चौंकड़ा नहीं खोल रहे बाहर आओ। महाराज ने कहा किवें उठा, काबल विच मेरा सिख भाई गौंदा चरण एवो जे अज फड़ के बैठा छड़दा ही नहीं। संगतां ने टाइम नोट किया, जदों महाराज उठे महाराज कहते हुण उन्हें चरण छड़े। एक किते किते गुरु आप एहो जे इंसीडेंट संगत दे सामने प्रतख करदा कि ध्यान भगती चेनी ताकत दे दूर बैठे भी और सिख गुरु दे चरण वसा सकदा है। जदों आए भाई गौंदा जी जिन्हां ने टाइम नोट किया फिर पुछया तो बिल्कुल इधरों बाबा जी नहीं उठे उधरों वो नहीं उठे, आखो सतनाम। भाई कटारू जिहदे वट्टे बदल गए सी, ओ भाई कटारू जी ने जदों गुरु अर्जन देव दे चरणां दा ध्यान धर के जपजी साहिब शुरू कर दित्ती, इधर गुरु अर्जन देव जी कदी टगा सजी तली कदी खबी तली सजी तली खबी तली, महाराज की कर रहे हो? कहंदे मेरा सिख दे वट्टे चेक हो रहे है, वो चरणा दा ध्यान धर के जपजी साहिब पढ़दा पिया, मैं अपने सिख दे वट्टे च फर्क नहीं पैण दे। इतिहास ने साडे गज के आखो सतनाम श्री वाह। जिन्नियां संगतां बैठियां जी, जिन्नी संगत प्यार विच आई जे, होर भी बहुत इतिहास ने देवी चंद दा आखो सतनाम। उन्हें कलगियां ऐसा ध्यान धरिया सी ते अखां ही सूए खोबे सी ते खोबे कित्थे सी तुहानू पता ही है, गज के आखो सतनाम। यह जिन्नियां संगतां ये गुरु अमरदास जी कह रहे हैं चौथी भगती है ध्यान भगती। हुण चंगी तरह सुन लो क्योंकि लेट हो गए हैं। चौथे का मतलब चौथी भगती, गुरु अमरदास कह रहे हैं, ये कोई मैं धारणा नहीं बोल रहा, सूर ग्रंथ दियां पंक्तियां। चौथे सतगुर के भगवान, ये चौथी भगती गुरु की भगती, सतगुर चो परमेश्वर वेखना भगवान वेखना। चौथे सतगुर के भगवान ठाने चरण कमल को ध्यान, कि अपने गुरु दे चरना कमलों का ध्यान धरना, आखो जी सतनाम।